बॉस, उस गुंडा बास्टिन को ये काम देना है क्या? उसकी जैसी बॉडी तो नहीं है, पर मैं भी काफी शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली कौन तुम? फ्रेडी, तुम आजकल बहुत मजाक करने लग गए हो, बस भी करो फ्रेडी। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में शक्तिशाली हूँ। अरे फ्रेडी शक्तिशाली है, ऐसा बोलकर कोई खुद ब खुद शक्तिशाली नहीं बन जाता, समझ गए फ्रेडी? तो फिर क्या चाहिए? तुम सच में शक्तिशाली हो, इस बात को तुम्हें साबित करना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बस इतनी सी बात, मैं दिखाता हूँ आपको। पर मैंने अपनी शक्ति दिखा दी तो आप मुझे क्या दोगे? रेड्डी शक्तिमान है, इस नाम पर मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट बना कर दूंगा, साथ ही उस पर मेरा ऑटोग्राफ भी होगा, इतना बस है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपका कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, उसके बदले एक काम करना। क्या? अभी गुंडा बास्टिन को जो काम देने जा रहे हो वो मुझसे करवाओगे क्या, बताइए बॉस? अरे रेड्डी, ये कोई बच्चों का काम नहीं, उस ज़ेम को फंसा कर उठा के लाना है, इसीलिए हम गुंडा बास्टिन के पास जा रहे हैं। अब वो मुझे पता है, ज़ेम को फंसाना कोई आम बात नहीं, बहुत मुश्किल बात है, रिस्की है। कुछ मुश्किल नहीं है, मैं शक्तिमान होने के बावजूद भी आप बास्टिन को काम दे रहे हो। ठीक है, तो तुम मुझे दिखाओ कि तुम कितने शक्तिशाली हो, फिर मैं सोचूंगा। सोचने के लिए कुछ नहीं है बॉस, देखना मैं अभी बताता हूँ कि मुझ में कितनी शक्ति है। ये लीजिए। अब तो समझ गए ना बॉस कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। अरे बाप रे, मेरी नाक तोड़ने वाला गधा मुझे नहीं चाहिए। बाप रे, ये बॉस बिना कितने बुरे हैं। पहले खुद बोलते हैं शक्ति दिखाओ, और शक्ति दिखाने पर मुझे मार के रास्ते पर फेंक कर चले गए। ये कभी नहीं सुधरने वाले दुष्ट आदमी। फिर भी अच्छा तो लग रहा है, कम से कम उनकी नाक तोड़ने का मौका तो मिला मुझे, मेरा कितने सालों से सपना था ये। अरे बाप रे, मैंने कर ही दिया। हेलो बास्टिन। अरे मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम्हें पैसे मिल सके इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। अरे वाह डगलस, आपने लॉटरी का धंधा शुरू किया क्या? आजकल गुंडागर्दी छोड़कर कॉमेडी करने लग गए। काम क्या है वो बताओ, फिर बाद में हंसना। हाँ बताता हूँ, सीधी बात और नो बकवास, उस ज़ेम को तुम्हें मेरे लिए पकड़ना होगा। क्या? उस ज़ेम को पकड़ना होगा? चलो निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊँ? जाने को बोला ना, वरना फिर से वो हैप्पी किड मेरी चटनी बना देगा। जाओ जाओ जाओ। क्या गुंडा बनेगा तू? इतना डरपोक गुंडा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, समझ गया तू डरपोक कहीं का? देखो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। हाँ, तुम तो इस देश के प्रधानमंत्री हो। क्या क्या बोला तुमने? बास्टिन प्लीज ऐसा मत करो, उसे पकड़ कर प्लीज मेरे पास ले आओ, प्लीज। उतना आसान काम नहीं है, पर उसके लिए कितने पैसे दोगे आप? एक बैग भर के बहुत है। ठीक है चलेगा मुझे, पर पैसों के मामले में मुझे धोखा मत देना, समझे ना? छे छे छे, तुम्हें लगता है मैं धोखा दूंगा? ऐसे काम तुम ही कर सकते हो। ओके, मैं सारे पैसे तुम्हें पहले दे देता हूँ, तब तो ठीक है। अरे तुम तो सुधर गए, ये कब हुआ? अरे वाह पैसे, इतने सारे पैसे देखकर ऐसे पागल मत हो जाओ, ये सारे पैसे ले लो, पर उसे तुम आज शाम तक मेरे पास ले आना, तो बात पक्की रही। ठीक है काम हो जाएगा। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, पर फिर आऊँगा, तब मुझे ज़ेम इधर ही मिलना चाहिए, सुन लिया ना? पक्का। अरे बाप रे मेरी कमर, ऐसे भी कोई मारता है क्या जैसे उन्होंने मारा? मैं अभी गिर जाऊंगा, थोड़ा पानी मिल जाता तो अब मैं और नहीं चल सकता, यहीं कहीं बैठ जाता हूँ। ये तो लामी और लुआई है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इनके पास पानी होगा भी क्या? पूछ के देखूं क्या? वो देखो फ्रीडी अंकल, कुछ तो हुआ है उनके साथ। हाँ मुझे भी वैसा ही कुछ लगा। जो भी हो हम चलते हैं। लामी लुआई मुझे थोड़ा पानी दे दो ना, मैं थक गया हूँ। लुआई वो पानी मांग रहे हैं, उन्हें दे दे क्या? वो बहुत बुरे हैं, ये सब हमें फंसाने के लिए कर रहे हैं। फ्रेडी अंकल ये आप हमें फंसाने के लिए तो नहीं कर रहे? अरे बिल्कुल भी नहीं, उस डगलस ने मुझे मार मार के गाड़ी से मुझे यहाँ रास्ते पर फेंक दिया है। मुझे लगता है सच बोल रहे हैं। लैमी पानी दे दो। दे दो।
उन्होंने तो पूरी बोतल पी ली। अब अच्छा लग रहा है, तुम लोग नहीं आते तो मेरी कहानी खत्म हो जाती। थैंक यू बच्चों, मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं, क्या पता डगलस अंकल के साथ आप फिर परेशान करने आ जाओ। अरे वो तो मैं, अरे ज़ेम कहाँ है? ज़ेम अपने होवरबोर्ड पर घूम रहा है। क्या ज़ेम अकेले घूमने चला गया? कहाँ गया है वो? जंक्शन से दाई तरफ जो रास्ता है वही गया है। बच्चों वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, वहाँ तो गुंडा बास्टिन रहता है ना। तो उसमें क्या, बास्टिन के साथ हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर डगलस बास्टिन को मिलने गया है पैसे देने के लिए। पैसे देने पर वो क्यों? ज़ेम को पकड़ने के लिए, एक पूरा बैग भर के पैसे लेकर गए हैं। ये काम जब मैंने करने के लिए बोला तो बॉस ने मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लुआई, ज़ेम मुसीबत में है, हमें हैप्पी किड को बुलाना होगा। चलो जाओ, जल्दी जाके उसे बचा लो। ठीक है अंकल, थैंक्स। लैमी, हम कहाँ जा रहे हैं? उस बास्टिन के घर, वो क्या करने वाले हैं पता लगाना होगा। बास्टिन अंकल प्लीज, मेरी रस्सी खोल दो ना प्लीज। मैंने आपका कभी कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए हैं। डगलस, उनके इधर आने के बाद ही मैं तुम्हारी रस्सी खोलूंगा। अरे वो देखो सेम, बाप रे। उस डगलस के आने से पहले हम हैप्पी को बुला लेते हैं। घूम घूम हैप्पी मचाए धूम। हेलो दोस्तों। हैप्पी, वो देखो सेम वहाँ। अरे बाप रे, वो तो बास्टन का घर है ना, और उसने ज़ेम को ऐसे बांध कर क्यों रखा है? डगलस के बोलने पर ऐसा किया, वो अभी ज़ेम को ले जाने वाले हैं। उससे पहले ज़ेम को बचाना होगा। हैप्पी ठीक है, वो मुझ पर छोड़ दो, पर उस डगलस को सबक सिखाए बिना कैसे जा सकते हैं? डगलस के यहाँ आने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे हैप्पी। हाँ, डगलस के यहाँ आते ही तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी हैप्पी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, डगलस को खतरनाक इनाम मैं नहीं दूंगा, ज़ेम देगा। ज़ेम? हाँ, डगलस यहाँ आने से पहले हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? ज़ेम को हैप्पी बनाने का खेल। रस्सी खोल देने के बाद ज़ेम हैप्पी हो जाएगा। अरे वो वाला हैप्पी नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ ज़ेम को हैप्पी किड बना दूँ। अरे वो कैसे? हैप्पी, ऐसा करते हुए उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे मेरा रूप नहीं लेना होगा, वो ज़ेम ही रहेगा, पर मेरी शक्तियाँ ज़ेम को मिल जाएगी। वाह, तो फिर जल्दी जल्दी करो। ठीक है। वो देखो डगलस की गाड़ी। चलो हम दूर खड़े रहते हैं। वाह, जैसा तुमसे कहा था बिल्कुल वैसा ही किया वेस्टन। गुड, अब इसकी रस्सी निकाले बिना ही इसे मेरी गाड़ी में डाल दो। ठीक है डगलस। अब देखना ज़ेम का कमाल। पर ये कैसे हुआ? भाग जाओ, ये लड़का पागल हो गया है। मैं तो गया। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले ये तो ले लो डगलस, ये लो। अब भागो यहाँ से। मुझे कोई बचाओ। भाग जाओ भाग जाओ, मेरे हाथ लग गए तो बाकी की पिटाई तब करूँगा मैं। सब सही हो गया, अब शक्तियाँ वापिस ले लेता हूँ। मैं बच कैसे गया? ओह बास्टिन, ये तो डगलस अंकल की गाड़ी है। ओह बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। तुम सब
बात है जेम, तुमने तो बास्टन को मारकर बेहोश कर दिया। क्या? उस डगलस को तो क्या मारा तुमने, और साथ में दौड़ाया भी। क्या मैंने? ये कब हुआ भाई? क्या आज हमें सही रास्ता मिलेगा क्या? क्या बहुत दिन लगेंगे बॉस? सबर करो फ्रेडी, बिना अच्छे से सोच के उस डॉक्टर फर्नी को हम बुद्धू नहीं बना सकेंगे। हाँ, मेरे जैसे दिमाग वाले हैं वो। फ्रेडी, क्या हुआ बॉस? जब मैं कोई जरूरी बात बोलूं तो मजाक करना बंद करो। समझ गए? सॉरी बॉस, मेरे जैसा दिमाग वाला नहीं है ना फर्नी, सही कहा ना? अरे यार, इसे पता नहीं कब और क्यों मैंने अपना असिस्टेंट रख लिया। वो तो मुझे याद है बॉस, 10 साल पहले शुक्रवार को दोपहर को 1:30 बजने पर। चुप हो जाओ फ्रेडी, मैं कुछ सोच रहा हूँ और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। यस बॉस। क्यों नहीं, सोचने के लिए दिमाग भी होना चाहिए ना, बस हमेशा फिक्र रहते हैं। ये क्या सर्कस में जोकर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कितना भी हाथ पैर मार लो, उस फर्नी को बुद्धू बनाकर नॉनस्टॉप कार नहीं चुरा सकते। समझ गए फर्नी, इनके जैसा नहीं है, उन्हें दिमाग है। मिल गई मुझे तरकीब, मिल गई। हाँ। क्या तरकीब मिल गई? मैं अभी वही बोल रहा था, अगर मेरे बॉस चाहे तो उन्हें फर्नी को बुद्धू बनाने की तरकीब आसानी से मिल जाएगी। वाह, क्या तरकीब मिली है मुझे। वाह, हम लोग अभी डॉक्टर फर्नी के घर जाएंगे और उसके बाद। नहीं, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है बॉस। हैं? मैंने जो मन में तरकीब सोची थी वो तुम बिना बोले ही समझ गए। हाँ बिल्कुल, बताओ। हाँ बताओ। हम लोग फर्नी के घर जाएंगे। डॉक्टर फर्नी? डॉक्टर हो या वकील, हम उनके घर जाएंगे। हाँ, उसके बाद? उसके बाद वहाँ जाके उनसे 2 दिन के लिए नॉनस्टॉप कार को किराए पर देने को बोलेंगे। हमारी बात मानकर वो कार दे देंगे। अगर फिर से तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें। अच्छा, तो ये तरकीब नहीं है क्या? नहीं, आओ बताता हूँ। बढ़िया, आखिर मैंने इस पर काम खत्म ही कर लिया, मेरी नॉनस्टॉप कार। अगर कोई सीट पर बैठ जाए और दरवाजा बंद कर ले तो ये बहुत तेज भागेगी, कहीं नहीं रुकेगी। रोकना होगा तो मेरी मर्जी से रुकेगी। हैप्पी किड और उन बाकी बच्चों को इस गाड़ी में फंसाना ही होगा। अरे डगलस, क्या पता इधर क्यों आ रहा है वो, मुझे ध्यान रखना होगा। हेलो डॉक्टर फर्नी, गुड मॉर्निंग। हेलो डगलस, आओ। मैं भी हूँ ऐसे। अरे तुम भी आ जाओ फ्रेडी। थैंक यू। आज इतने फल लेकर क्यों आए हो? आपको मिलने आ रहे थे, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए हम आपके लिए थोड़े फल लाए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे तो मुझे खाने से ज्यादा फल ही पसंद है। दो। यही है वो कार, डॉक्टर फर्नी की नॉन स्टॉप कार। यस, समझ गया। अरे उधर ही क्यों रुक गए, अंदर आओ। बढ़िया गाड़ी है, नई है क्या? कितने की बड़ी? ये मैंने पिछले ही हफ्ते ली थी। बढ़िया है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी है। बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे ना? हाँ हाँ, आओ। बॉस, जिस संतरे में बेहोशी की दवा डाली थी उन्हें दे दूँ क्या? रुको, मैं बताऊंगा तुम्हें, अगर अभी दे दिया तो हम परीक्षक जाएगा ना। ओके। तुम दोनों वहाँ क्या बातें कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये फ्रेडी बोल रहा था कि। क्या? वो बस यही बोल रहा था कि ऐसी एक गाड़ी आप भी ले लो बॉस। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं बोला, ये संतरे। फ्रेडी, अरे फ्रेडी बस यही बोल रहा था कि बॉस, बस लाल रंग की गाड़ी नहीं, संतरे के रंग की गाड़ी लेना। हाँ यही बोला था मैंने, सच में मैं अपने पापा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने और कुछ नहीं बोला था, सच में मैं सही बोल रहा हूँ। ज्यादा बात मत करो फ्रेडी। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं, फ्रेडी ने गाना गाया बस। वही अरे कितना गंदा गाना गाते हो फ्रेडी। थैंक यू। चलो मैं थोड़ी सी चाय बना लेता हूँ, ठीक है? मेरी चाय में मीठा ज्यादा रखना, और बॉस आपको। अब बस करो, हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं आए हैं। सॉरी बॉस। नहीं रहने दीजिए मिस्टर फर्नी, हमें चाय की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना हम सब मिलकर संतरे खाएं तब तक। ओह हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेडी एक संतरा उन्हें दो। तुम लोग भी तो खाओ।
हमें संतरे पसंद नहीं है, हमें सेब पसंद है। तो सेब खा लो। हाँ हाँ ठीक है ओके। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर घूम रहा है। रेडी, हम जीत गए। चलो अब जल्दी से कार का रिमोट ढूंढो। चलो जल्दी। यस बॉस, रिमोट मिल गया, मिल गया। हाँ यही तो है, चलो चलते हैं। रेडी, तुम इस कार में बैठकर मेरे पीछे पीछे आना, समझ गए? हैं बॉस, अगर मैं एक बार बैठ गया तो ये कार चलती ही रहेगी क्या? रेडी, इसीलिए तो ये रिमोट है। ये देखो, इसके नीले बटन को दबाने से कार बाकी सब गाड़ियों जैसी बन जाएगी, लाल बटन दबाने से वो नॉन स्टॉप बन जाएगी। तो फिर नीला वाला बटन दबाइए। चलो ये रिमोट पकड़ो, और चाहे कुछ भी हो जाए ये रिमोट खोने ना पाए। फ्रेडी चलो मेरे पीछे आओ। अरे ये क्या, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? बॉस आपने ही तो पीछे आने के लिए बोला था ना। अरे गधे, गाड़ी लेकर पीछे आओ। अच्छा वैसा करना है। हम पापा से कितने सालों से बोल रहे हैं कि वो खटारा गाड़ी हटा दो। सही कहा, वो कार तो पापा के पापा चलाते थे, जानते हो। तभी तो पापा उसे बेचते नहीं, उन्हें वो पसंद है। ये बात है, उसे बेच नहीं सकते तो नहीं तो ला ही सकते हैं। हाँ ये सही है, पापा से एक बार बात करके देखते हैं। रेड्डी वो बच्चे वहाँ पर हैं, तुम अपना दिमाग चलाओ और कुछ भी करके उन बच्चों को इस गाड़ी में बिठा लो। दिमाग लगाने वाले काम मुझ पर छोड़ दीजिए बॉस। वो एक बार कार में बैठ गए, फिर जल्दी से रिमोट ले लेना, गाड़ी का दरवाजा बंद करना और लाल बटन दबा देना। ओके बॉस। मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे खड़ा रहूंगा, मुझे देख लेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। बॉस आपको देखकर उन्हें सिर्फ शक ही नहीं, वो भाग भी जाएंगे। इसीलिए तो मैं दूर जा रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं करना। बाय, गुड लक। बाय। अब मेरे इतने बड़े दिमाग की मदद से उन्हें कार में बैठना होगा। रेडी अंकल, ये क्या, आपने तो नई गाड़ी ले ली। कल ही खरीदी है, 2 करोड़ की। क्या 2 करोड़? अरे बाप रे, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? और क्या, दिखने में मैं भले ही भिखारी जैसा लगता हूँ पर मेरे पास बहुत पैसे हैं। फ्रेडी अंकल के पास इतना पैसा है तो डगलस अंकल के पास कितना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास पैसा वैसा नहीं है, मैं ही तो उन्हें पैसे देता रहता हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? लेकिन आप तो डगलस के लिए काम करते हैं ना? हाँ बॉस मुझे काम देते हैं और मैं उन्हें पैसे देता हूँ बस। वैसे मेरी ये गाड़ी कैसी लगी? सच बताऊँ फ्रेडी अंकल, तो आपकी गाड़ी तो शानदार है। हैप्पी किट को देखे काफी दिन हो गए हैं, आजकल क्या वो नीचे नहीं आता है क्या, या किसी पहाड़ या दूसरे ग्रह पर चला गया है? अरे नहीं, हैप्पी तो यहीं कहीं होगा, हमारे बुलाने पर ही आएगा। तो बुलाओ, मुझे हैप्पी किट को भी ये कार दिखानी है, मुझे सबको अपनी कार दिखानी है। उसे बुलाते हैं ना, क्या पता अगर इन्होंने कोई जाल बिछाया हो तो हैप्पी तो होगा बचाने के लिए हमें। हाँ सही कहा, घूम घूम हैप्पी बचाऊं। अच्छा तो हैप्पी किट को ये बच्चे ऐसे बुलाते हैं, अब समझ में आया। अरे दोस्तों के साथ फ्रेडी है, क्या हुआ होगा, ये किसकी कार है? कहाँ रह गया तुम्हारा हैप्पी किड, कहीं दिख नहीं रहा, मुझे बुद्धू बना रहे हो क्या तुम लोग? लैमी, हैप्पी अभी तक क्यों नहीं आया? रुको, शायद वो काफी दूर होगा, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हाँ इंतजार करते हैं। देख लेता हूँ कि क्या हुआ था। घूम घूम फ्लैशबैक। कितना भी हाथ पैर मार लो, उस फर्नी को बुद्धू बना के नॉन स्टॉप कार नहीं चुरा सकते। मिल गई तरकीब, मुझे मिल ही गई। मेरा सर घूम रहा है। ओ, रेडी, हम जीत गए। अच्छा नॉन स्टॉप कार, एक रास्ता तो है, पहले रिमोट बदल देता हूँ। घूम घूम नकली रिमोट।
ठीक है, अब चलता हूँ। हेलो दोस्तों। हाय हैप्पी। अरे तो हैप्पी तुम आ गए। अरे ये कौन? फ्रेडी अंकल, मैं किसी दूसरे ग्रह पर था इसलिए देर हो गई। हैप्पी, फ्रेडी अंकल ने गाड़ी भी ली है। वाह, लाजवाब गाड़ी है, हम एक बार बैठ सकते हैं? तभी तो ये सब लोग हैप्पी किड को बुलाएंगे। जल्दी बैठ जाओ, चलो चलो आओ। मगर आप नहीं बैठेंगे अंकल? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ अंदर, मेरी जरूरत नहीं है, रिमोट से चल ही जाएगी। ये देखो है? ये क्या, नॉनस्टॉप दबाने के बाद भी ये चल नहीं रही है, ये सब बेकार है। गाड़ी तो आगे ही नहीं जा रही, दोस्तों नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि ये खराब हो गई। अरे ऐसे मत जाओ ना, प्लीज प्लीज। बाय बाय फ्रेडी अंकल, चलो दोस्तों। हेलो बॉस, वो हैप्पी किड और बच्चे गाड़ी में घुस गए हैं। बढ़िया, तो दरवाजा बंद करके लाल वाला बटन दबा देना। वही तो दिक्कत है, ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा है और वो सब लोग भाग भी गए। अरे यार मैं अभी आता हूँ। रिमोट दिखाओ, कहाँ पर है रिमोट? मैं भी चलाऊंगा, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाने की सोच रहे हो ना? अरे बॉस, अरे कार तो चलती ही जा रही है, वो लाल वाला बटन दबाइए। ये काम नहीं कर रहा फ्रेडी, क्या करें? दोनों चोर मुझे बेहोश करके मेरी गाड़ी लेकर चले गए और वो रिमोट भी ले गए। मुझसे पंगा लेंगे, उसके जैसा एक और रिमोट है मेरे पास। अरे ये रास्ता कहाँ जा रहा है? अरे बॉस आगे देखिए, फर्नी खड़ा है। वो देखिए फर्नी। तुम लोग चोर हो, उतरो, निकलो गाड़ी से। नमस्ते डॉक्टर फर्नी। मर गया। नमस्ते, यहाँ भी दे दीजिए।